चलिए आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसकी वेटेज आपके एग्जाम में 4 मार्क्स की होगी और इस बात की गारंटी कि अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से देखते हैं तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए। देखिए, अगर हम बात करें किसी भी फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसे प्रिपेयर करने के बाद हमें इसे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। एनालाइज कौन करते हैं? मैनेजमेंट, ताकि वो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एनालाइज करके देख कर ये बता सकें कि फ्यूचर में हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी स्टेप है मैनेजमेंट के लिए, डिसीजन लेने के लिए। अब देखिए, ये एनालिसिस करने के हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं। इन टूल्स की मदद से हम ये एनालिसिस करते हैं। क्या क्या टूल्स हैं हमारे पास? सबसे पहले हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सेकंड है हमारे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट, थर्ड है हमारे पास रेशियो एनालिसिस, और लास्ट है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए कुछ टूल्स हैं हमारे पास, जिसमें से हमने रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। इनकी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, आप इन्हें चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। देखिए, उससे पहले हमें ये जानना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस करने के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सटर्नल एनालिसिस। तो नाम से समझ में आ रहा है कि जो एनालिसिस है ये एक्सटर्नल मतलब कि आउटसाइड पार्टीज करेंगी। तो देखिए, एनालिसिस इज डन थ्रू पब्लिश्ड अकाउंट्स, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। यानी जो लोग ये एनालिसिस करते हैं वो एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट या ऑडिटर्स रिपोर्ट। इन पब्लिश्ड अकाउंट्स के थ्रू आप क्या करेंगे? एनालिसिस। और ये एनालिसिस करता कौन कौन है? इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, क्रेडिटर्स या गवर्नमेंट एजेंसीज। इसके बाद देखिए, बी पार्ट है हमारे पास इंटरनल एनालिसिस। तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये इंटरनल यानी कि फर्म के अंदर एनालिसिस किया जाएगा, और फर्म के अंदर कौन करेगा? मैनेजमेंट। देखिए, कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसके बाद थर्ड, हॉरिजॉन्टल या डायनेमिक एनालिसिस। तो यहाँ पर मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पर आप एक से ज़्यादा ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है? देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरह की होती है। तो मान लीजिए आपने 2016, 2017, 2018 और 2019, आपने इन 4 साल के डेटास को एनालाइज करना है। इन 4 साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें आपने एनालाइज करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इट इज़ अ टाइम सीरीज एनालिसिस, क्योंकि आप सीरीज में देखते हैं हमेशा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कंपेरेटिव स्टेटमेंट। ये हम आगे देखेंगे कि उसका एग्जाम्पल है ये। उसके बाद देखिए, वर्टिकल एनालिसिस। तो वर्टिकल एनालिसिस मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ ईयर ओनली। ये सिर्फ एक ही ईयर का होता है। देखिए, वर्टिकल लाइन कैसी होती है? वर्टिकल लाइन होती है स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सिर्फ एक ईयर के डेटा को, मान लीजिए 2018। तो आप सिर्फ यहाँ पर एक ही साल के डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसे आप क्या कहेंगे? वर्टिकल या स्टैटिक एनालिसिस। इट इज़ अ क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये हमें देखना है आगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या होते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट? कंपैरिजन ऑफ ईच एलिमेंट और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2 or more years। यानी आप 2 या उससे ज़्यादा साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक एक आइटम को, एक एक एलिमेंट को आप दूसरे साल के डेटा से कंपेयर कर रहे हैं। अब बात कंपैरिजन की आ रही, तो देखिए कंपैरिजन आपके 2 तरह के होते हैं। कंपैरिजन एक होता है आपका इंट्रा फर्म कंपैरिजन, एक होता है आपका इंटर फर्म कंपैरिजन। दोनों में क्या फ़र्क है? इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब कंपैरिजन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपने, मान लीजिए आपने 2019 का डेटा निकाला और 2017 का डेटा निकाला, आप उन दोनों डेटा को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये आप कंपैरिजन अपने फर्म के अंदर ही कर रहे हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? कंपैरिजन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंट्रा फर्म कंपैरिजन। वहीं अगर आप अपने कंपटीटर्स के साथ कंपेयर करें, मतलब कंपैरिजन विद अदर कंपनीज, तो उसे आप कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। मान लीजिए रिलायंस जियो की कंपनी ने एयरटेल से कंपेयर किया, तो उसे आप क्या कहेंगे? इंटर फर्म कंपैरिजन। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हमें 2 चीज़ें कंपेयर करनी है। पहला हमें कंपेयर करना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, उसके बाद कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। हाँ जी, देखिए ये आपके पास है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपके सामने रहेगा। फॉर्मेट बहुत ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट। अब क्योंकि आप कम से कम 2 साल का यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, तो मान लीजिए हम कंपेयर कर रहे हैं 31 मार्च 20 एंड 19 का, तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 19 एंड 20। और अगर फर्म का नाम दिया हुआ है तो उसे आप टॉप पे लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर का डेटा, करंट ईयर का डेटा। तो देखिए इतना पार्ट तो हमने क्वेश्चन से लेना है, कौन कौन सा पार्ट, ये पर्टिकुलर्स वाला सारा पार्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा क्वेश्चन से आपने कॉपी पेस्ट करना है। नोट नंबर एम्प्टी रहेगा, प्रीवियस ईयर में जो भी डेटा आपको दिया हुआ था वो आपने यहाँ पर एज इट इज क्वेश्चन से देख के लिख देना है। करंट ईयर में जो भी डेटा आपको दिया हुआ है वो भी आपने क्वेश्चन से ऐसे ही लिख देना है। बस हमने यहाँ पर ये 2 कॉलम अलग से प्रिपेयर करने हैं। क्या है ये 2 कॉलम? एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। यानी सिंपली हम यहाँ पर कंपेयर करके ये बता रहे हैं कि भाई प्रीवियस से करंट ईयर में चेंज कितना आया था। जैसे पहला आइटम यहाँ पर शेयर कैपिटल है, मान लीजिए प्रीवियस ईयर में शेयर कैपिटल 10 लाख है और करंट ईयर में शेयर कैपिटल बढ़ के 15 लाख हो गया। अब ये बताइए चेंज कितने से हुआ? सर सीधी सी बात है, पहले 10 लाख था, 15 लाख हो गया, मतलब 5 लाख से चेंज आया है। तो बस वही काम यहाँ पर हमें करना है। कैसे निकाला हमने? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में 15 लाख का शेयर कैपिटल, प्रीवियस ईयर में 10 लाख का शेयर कैपिटल, तो चेंज कितना आया? 5 लाख का। अब सर ठीक है, चेंज हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब ये कॉलम हमें क्या बताना है? इसमें हमें ये बताना है कि यही चेंज आपका परसेंटेज में कितना हुआ। ये जो 5 लाख का आपका चेंज आया, तो ये 5 लाख का चेंज प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में कितना है, मतलब परसेंटेज में कितना चेंज है। तो इसी चेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज, जो कि आपका 5 लाख आया, डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर जो कि ये 10 लाख था, इनटू 100। तो यहाँ पर जितना परसेंटेज आ जाएगा वो आपका परसेंटेज चेंज है। तो हमें हर आइटम का इसी तरीके से एनालिसिस करना है। आपने करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर निकालना है हर आइटम का, वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसी को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे? चेंज बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। सीधे क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए। देखिए बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 3 लिया है हमने। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ ग्रोमोर लिमिटेड एंड गिव अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ द इन्फरेंस यू ड्रॉ। आपको बैलेंस शीट दी गई है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर्मेट ड्रॉ कर देंगे। फॉर्मेट क्या रहेगा? सबसे पहले फर्म का नाम ग्रोमोर लिमिटेड, उसके बाद कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 19 एंड 20, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर। सबसे अब एक बात आपको ध्यान देनी है कि बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको करंट ईयर का डेटा दिया होता है, उसके बाद प्रीवियस ईयर का। अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? प्रीवियस ईयर। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सर ने तो कहा था कि क्वेश्चन हमें कॉपी करना है, तो वो पूरा बैलेंस शीट ही यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। नहीं, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि प्रीवियस ईयर हमेशा पहले आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? प्रीवियस ईयर हमेशा पहले और करंट ईयर उसके बाद में। तो पर्टिकुलर्स आ गए एज इट इज, नोट नंबर ऐसे ही रहेगा, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, और उसके बाद ये 2 कॉलम बना देने हमने, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना था प्रीवियस ईयर में? 2 लाख, और करंट ईयर में कितना है? 3 लाख। अब क्या निकालेंगे? एब्सोल्यूट चेंज। कैसे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 3 लाख माइनस 2 कितना आया? 1 लाख। अब इसी चेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। यानी 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इनटू 100, तो कितना चेंज आया? 50%। आया समझ में? उसके बाद देखिए नेक्स्ट आइटम हमारे पास है रिजर्व एंड सरप्लस, जो प्रीवियस ईयर में भी 2 लाख है, करंट ईयर में भी 2 लाख है, तो चेंज कितना हुआ? 0। तो परसेंटेज भी कितना होगा? 0। उसके बाद है हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, जो प्रीवियस ईयर में था 40,000, करंट ईयर में हो गया 1,60,000, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कितना आया? 1,20,000। अब इसे परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? तो 1,20,000 डिवाइड बाय इसका प्रीवियस ईयर में कितना बैलेंस था? 40,000। तो 1,20,000 बाय 40,000 इंटू 100 कितना आया? 300%। यानी इतने से आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स बढ़ गया, 300% से बढ़ गया। ऐसे ही देखिए आपका नेक्स्ट आइटम था यहाँ पर क्रेडिटर्स। तो प्रीवियस ईयर में 60,000 है, करंट ईयर में 1 लाख है। आप चेंज निकाल लीजिए, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कितना आया? 40,000। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 40,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100 कितना हुआ? 66.67%। अब यहाँ पर आप ये जो टोटल निकालते हैं, टोटल पहले से आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप इनका भी टोटल यहाँ पे लिख देंगे। एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज इसका भी अलग से निकाला जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये टोटल आपको इन दोनों वैल्यूज का गिवन है। अब यहाँ पर भी आप चेंज निकालेंगे, तो
देखिए करंट ईयर में कितना टोटल है, 7,60,000, और प्रीवियस ईयर में कितना टोटल है, 5 लाख। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कितना चेंज आया, 2,60,000। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, 2,60,000 / 5,00,000 × 100 कितना चेंज आया, 52%। बस इसी तरीके से हमने एसेट्स वाले कॉलम को भी करना है। एसेट्स वाले जितने भी आइटम है सबका पहले क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज, और फिर इंडिविजुअली हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज चेंज। ठीक है सर, अगर कोई आइटम नेगेटिव है, मान लीजिए प्रीवियस ईयर का बैलेंस ज़्यादा है करंट ईयर का कम है, तो कोई बात नहीं, आंसर आपका नेगेटिव आएगा। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो आप यहाँ देखिए फिक्स एसेट आपको दिया हुआ है, सॉरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है, जो कि प्रीवियस ईयर में 15 लाख है, करंट ईयर में 10,50,000 है। अब एब्सोल्यूट चेंज कैसे आता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में है 10,50,000, प्रीवियस ईयर में है 15 लाख। अगर आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो नेगेटिव आपके पास कितना आएगा, 4,50,000। तो उसे बस आप ब्रैकेट्स में शो कर देंगे, और उसके बाद आप क्या निकालेंगे, परसेंटेज चेंज, कैसे, प्रीवियस ईयर सॉरी एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो परसेंटेज भी आपका नेगेटिव आएगा, उसे भी आप ब्रैकेट्स में शो कर देंगे। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए, तो जिस तरीके से हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट देखा, उसी तरीके से हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। बिल्कुल सेम काम करना है हमने, कुछ भी इसमें नया नहीं पढ़ना। ये देखिए फॉर्मेट हमारे सामने है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, आप देखिए वही फॉर्मेट है, ऊपर फर्म का नाम दिया तो वो लिखना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 1920, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, पहले क्या आता है प्रीवियस ईयर, उसके बाद क्या आता है करंट ईयर, उसके बाद हम क्या निकालेंगे इनका चेंज यानी एब्सोल्यूट चेंज, उसके बाद परसेंटेज चेंज। और आपको ये फॉर्मूले यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ABCD, ये आप स्किप कर सकते हैं इस वाले कॉलम को। बस आपको एक चीज में ध्यान देनी है कि यहाँ पर ये जो आपको फॉर्मेट दिया गया है, आपको इसी सीक्वेंस में इसे फॉलो करना है। क्वेश्चन में आपको सारी चीजें गिवन होंगी, जैसा मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में बैलेंस शीट आप एज इट इज कॉपी कर देना, वो चीज यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। आपको वैल्यूज यहाँ पर ये सब दिए होंगे, लेकिन उसे आप अरेंज करेंगे एक सीक्वेंस में। क्या सीक्वेंस है, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हो सकता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में आपको 7वें नंबर पे दिया हुआ है, 8वें नंबर पे दिया हुआ है, आप उसे सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा जितनी भी अदर इनकम है क्वेश्चन में आपको दी होगी, तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम को ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, टोटल रेवेन्यू, ये आपने ऐड करना होगा, और टोटल यहाँ पर। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एक्सपेंसेस की, क्वेश्चन में आपको सारे एक्सपेंस जो भी हैं गिवन होंगे, आप सारे एक्सपेंसेस को यहाँ पर लिखेंगे। एक्सपेंसेस का कोई सीक्वेंस नहीं होता है, जिस ऑर्डर में आपको एक्सपेंस क्वेश्चन में दिए उसी ऑर्डर में आप यहाँ पर उसे प्लेस कर देंगे। आपको दोनों साल के एक्सपेंस दिए होंगे, सारे आप यहाँ प्लेस कर देंगे। उसके बाद आप इन सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस, उसका आपने यहाँ टोटल निकाला। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आपने सारी की सारी इनकम को ऐड करके अलग लिख देना है, उसके बाद आपने सारे के सारे एक्सपेंसेस को ऐड करके अलग लिख देना है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम ऐड करा, हमें क्या मिला, टोटल रेवेन्यू, उसके बाद हमने सारे एक्सपेंसेस लिखे उनको ऐड किया, उसके बाद हमें क्या मिला, टोटल एक्सपेंसेस। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंस का टोटल आने के बाद हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो अगर हम इस साल का प्रॉफिट पता कर रहे हैं, तो इस साल का जो टोटल रेवेन्यू है माइनस इस साल का टोटल एक्सपेंसेस, तो कितना आपके पास जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आप यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही हमने करंट ईयर के लिए भी करना है, करंट ईयर का जो टोटल रेवेन्यू है माइनस करंट ईयर का टोटल एक्सपेंसेस, आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट करंट ईयर का बिफोर टैक्स वाला। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद आपको इनकम टैक्स का रेट क्वेश्चन में दिया होगा, मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट आता है और 20% का टैक्स रेट है, तो 20,000 का इनकम टैक्स हो गया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब बिफोर टैक्स में से प्रॉफिट को माइनस करने के बाद कितना बचेगा, 80,000, उसे आप यहाँ लिख देंगे। और ये दोनों चीज़ें आपकी सेम रहेंगी, यहाँ पे जो भी आप डेटा लिख रहे हैं उन सब का इंडिविजुअली आप क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज, और उसके बाद आप क्या निकालेंगे, परसेंटेज चेंज। आइए क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए। एक बुक से देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्टार लिमिटेड फॉर द ईयर 31 मार्च 1920, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज गिवन है, नोट नंबर दिया है, करंट ईयर का डेटा, प्रीवियस ईयर का डेटा, तो इससे हमने क्या बनाना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 1920। फॉर्मेट वही रहेगा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, पहले प्रीवियस, उसके बाद करंट ईयर, एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंज।
अब जैसा आपको फॉर्मेट बताया गया था, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो वो पहले हमें दिया भी हुआ है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर में 16 लाख है, करंट ईयर में 20 लाख है। अब इसका हम चेंज निकाल देते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना आया, 4 लाख। अब इस चेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करना है, 4 लाख डिवाइड बाय 16 लाख इंटू 100, यानी कि 25%। अब यहाँ पर कोई अदर इनकम गिवन नहीं है, अगर होती तो हम उसे लिख के यहाँ पर ऐड कर देते, क्योंकि यहाँ पर कोई अदर इनकम नहीं है तो टोटल रेवेन्यू ही आपके पास क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग यहाँ बना देंगे एक्सपेंसेस की। यहाँ पर आपको दो एक्सपेंस दिए गए हैं, पहला है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, सेकेंड है हमारे पास अदर एक्सपेंसेस, तो दोनों को आपने यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 2 लाख, तो आपके पास अब 2 लाख का चेंज आ रहा है। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करना है, वही तरीका है, 2 लाख बाय 8 लाख इंटू 100, कितना चेंज आया, 25%। उसके बाद ऐसे ही आप अदर एक्सपेंस का भी निकालेंगे। अदर एक्सपेंस में करंट ईयर में 1 लाख है, प्रीवियस ईयर में 2 लाख है, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस जब आप करेंगे तो आपके पास नेगेटिव 1 लाख आ जाएगा, और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उसके बाद आप एक्सपेंसेस को ऐड करके क्या निकाल देंगे, टोटल एक्सपेंसेस जो प्रीवियस ईयर में 10 लाख है, करंट ईयर में कितना आ गया, 11 लाख। इसका भी आपने वही चेंज निकालना है, 11 माइनस 10, 1 लाख का एब्सोल्यूट चेंज है, और 1 लाख बाय 10 लाख इंटू 100, तो 10% का परसेंटेज चेंज आया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये आप कैसे निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू प्रीवियस ईयर में 16 लाख है, टोटल एक्सपेंस है यहाँ पर 10 लाख, तो माइनस करने के बाद 6 लाख का आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। करंट ईयर के लिए 20 लाख आपको करंट ईयर का रेवेन्यू बता रखा था, और करंट ईयर में 11 लाख का टोटल एक्सपेंसेस है, तो माइनस करने के बाद आपके पास 9 लाख का आपके आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इसका भी आप एब्सोल्यूट और क्या निकाल देंगे, परसेंटेज चेंज। यहाँ पर आपको टैक्स रेट गिवन नहीं था, जैसे इस क्वेश्चन में आपको टैक्स रेट गिवन है, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के बाद कितना, 50% का टैक्स रेट है, तो 4 लाख का 50%, 2 लाख का आपके पास टैक्स होता है, तो माइनस करने के बाद आपके पास अब 2 लाख का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वैसे ही हमने करंट ईयर में भी करना है, और ये चीज़ें आपकी सेम रहेंगी, एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंज वाली, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, चलिए अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के बाद अब आगे पढ़ते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। इट इज़ अ वर्टिकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन विच अमाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज बाय टेकिंग अ कॉमन बेस। यहाँ पर ये क्या है, वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब सिर्फ आप एक ही साल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप सिर्फ एक ही ईयर के डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक बेस लेकर, ठीक है, एग्जांपल करेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए कॉमन साइज में क्या अलग है, सारी चीज़ें बिल्कुल वही हैं, यहाँ पर भी हमने परसेंटेज चेंज ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकालना है। आप याद करिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट में पहले हम क्या निकालते थे, एब्सोल्यूट चेंज, उसके बाद हम क्या निकालते थे, परसेंटेज चेंज। यहाँ पर बिना एब्सोल्यूट चेंज निकाले हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। कैसे आएगा सर, तो देखिए वो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, आइटम बाय बेस इंटू 100, ये आपके पास फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज निकालने के लिए। आइटम वो होगा जो आपको क्वेश्चन में पहले से दिया होगा बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ये बेस क्या चीज़ है। तो देखिए बेस बैलेंस शीट में अलग है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अलग है, ये बेस वो है जिसको आप बेस लेकर परसेंटेज चेंज निकालेंगे। जैसे अगर आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आइटम डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट, तो यहाँ पर बेस क्या लिया जाएगा, टोटल ऑफ बैलेंस शीट को इंटू 100, तो वहाँ से आप क्या निकालेंगे, परसेंटेज चेंज। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन अभी लग रहा होगा, जब क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, फिलहाल के लिए बस आप ये समझ लीजिए, जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो उसमें परसेंटेज चेंज कैसे आएगा, तो आइटम जो भी आपको दिया होगा डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। बस आप ये ध्यान रखिए कि कॉमन साइज बैलेंस शीट में बेस लिया जाता है टोटल ऑफ बैलेंस शीट को, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बेस लिया जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो उसमें परसेंटेज चेंज निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ स्टार पेंट्स लिमिटेड, ये आपको बैलेंस शीट दी गई है, और यहाँ पे कुछ आपको नोट्स टू अकाउंट्स भी दिए गए हैं।
प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट फॉर स्टार पेंट्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 1920। तो फॉर्मेट आप ड्रॉ कर लेंगे, वही फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट्स अमाउंट, पहले प्रीवियस, उसके बाद करंट ईयर, यहाँ तक आपका रहेगा। उसके बाद आप निकालेंगे परसेंटेज चेंज ऑफ प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज ऑफ करंट ईयर, कोई यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज नहीं है। फॉर्मेट दोबारा देखिए, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, उसके बाद परसेंटेज चेंज ऑफ प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज ऑफ करंट ईयर, ये आपका फॉर्मेट बन गया। अब जैसा बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दिया गया है एज इट इज आप यहाँ पर कॉपी कर देंगे, नोट नंबर खाली रहेगा, पहले आ जाएगा प्रीवियस ईयर का डेटा, उसके बाद आ जाएगा करंट ईयर का डेटा, ये आ गया। अब हमें एक एक करके ये निकालने हैं परसेंटेज चेंज, देखिए कैसे आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि कॉमन साइज बैलेंस शीट में परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला है आइटम बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट इनटू 100। अब जैसे यहाँ पर पहला आइटम हमारे पास शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल कितना है, 2,74,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट। बताइए इस साल का टोटल ऑफ बैलेंस शीट कितना है, सर 14,20,000। तो अब आप चेंज कैसे निकालेंगे, आइटम है शेयर कैपिटल 2,74,000 डिवाइड बाय 14,20,000 इनटू 100, तो वो कितना चेंज आएगा, 31.86%। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस, उसकी कितनी वैल्यू है, 1,52,000 डिवाइड बाय बेस, बेस हम क्या लेंगे, टोटल ऑफ बैलेंस शीट को, जो कितना है 14,20,000 इनटू 100, तो कितना चेंज आ गया, 8.14%। देखिए इसी तरीके से अब आपको बैलेंस शीट में यहाँ पर दिया गया था नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरविंग्स है, नोट नंबर 1 दिया हुआ है, और जब भी किसी की वैल्यू नोट में दी होती है तो उसकी वैल्यू हम नोट से ही हमेशा लेंगे। तो लॉन्ग टर्म बोरविंग्स में दो चीज़ें हैं, बैंक लोन और 9% डिबेंचर्स, उन दोनों को यहाँ पर हम इंडिविजुअल लिख लेंगे। उसके बाद देखिए बैंक लोन, तो बैंक लोन का भी आप उसी तरीके से निकालेंगे, 1 लाख डिवाइड बाय टोटल कितना है, 14,20,000 इंटू 100, तो कितना आ गया, 7.04। तो ऐसे ही इस साल के जितने भी आइटम है सबका परसेंटेज चेंज आप कैसे निकालेंगे, आइटम बाय बेस इनटू 100 करके, और ये जो टोटल है आप टोटल का भी ऐसे ही निकालेंगे। देखिए टोटल है 14,20,000 और बेस भी यही है इनटू 100, तो ये हमेशा क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। ऐसे ही आप करंट ईयर के लिए भी निकालेंगे, जो भी आपको आइटम दिया है डिवाइड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट, कितना टोटल है इस साल में, 8,60,000, तो 2,74,000 डिवाइड बाई 8,60,000 इनटू 100 कितना आ गया, 31.86%। तो जो भी प्रीवियस ईयर के डेटाज हैं इन सब के लिए बेस क्या होगा, 14,20,000, और जो करंट ईयर की वैल्यूज हैं उनके लिए बेस क्या होगा, 8,60,000। तो आप इंडिविजुअली सबका क्या निकालेंगे यहाँ पर, परसेंटेज चेंज, समझ में आ गया आपको। बस इसी तरीके से हमने क्या देखना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल वही फॉर्मेट रहेगा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, पहले प्रीवियस, उसके बाद करंट ईयर, उसके बाद परसेंटेज चेंज ऑफ प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज ऑफ करंट ईयर। अब मैंने आपको बताया था कि कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम बेस लेते हैं टोटल ऑफ बैलेंस शीट को, और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप बेस लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, ठीक है। ये फॉर्मेट जैसा आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बताया था मैंने, बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। आइए सीधा क्वेश्चन लेते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फॉर्मेट आप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रीवियस ईयर में 7,50,000, करंट ईयर में 10 लाख, बेस हमें इन्हीं दोनों को लेना है। तो देखिए सबसे पहला आइटम क्या है हमारे पास, 7,50,000 है, और सर बेस क्या है, बेस भी यही है, तो 7,50,000 by 7,50,000 into 100, तो कितना चेंज आया, 100%। ऐसे ही करंट ईयर के लिए पहला आइटम है 10 लाख और बेस भी 10 लाख इनटू 100, तो चेंज कितना आया, 100%। अदर इनकम की अगर बात करें, अदर इनकम 75,000 है और बेस क्या होगा इसके लिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि 75,000 डिवाइड बाय 7,50,000 इनटू 100, तो कितना चेंज आया, 10%। अब आप इन्हें ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल रेवेन्यू, तो उसके लिए भी सेम चीज़ है, टोटल रेवेन्यू 8,25,000 डिवाइड बाय बेस, बेस हमने क्या लिया था, 7,50,000 को इनटू 100, तो चेंज कितना आया, 110%। ऐसे ही इस साल के जितने भी आइटम होंगे सबके लिए बेस क्या हो जाएगा, 7,50,000, और इस साल के जितने भी आइटम है सबके लिए बेस क्या होगा, 10 लाख। तो आप इंडिविजुअली सबका क्या निकालेंगे, परसेंटेज चेंज, ठीक है, अपने आप ट्राई करिए। कोई डाउट अगर है तो आप पूछ सकते हैं, आपको मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और होमवर्क में जो आपने क्वेश्चंस करने हैं, आपको आज हमने चार चीज़ें पढ़ी हैं,
पहले हमने पढ़ा कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो चारों का मैं आपको एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। सबसे पहले ये जो इलस्ट्रेशन मैंने करवाए हैं आप एक बार अपने आप जरूर ट्राई करिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन ट्राई करिएगा। तो क्वेश्चन जो आपने करने हैं वो आपने करने हैं 2, 24, 18 और 28, ठीक है? ये आपको होमवर्क है, आप ट्राई करिएगा। कोई भी अगर डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।